नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा राहुल याद रखे वो खुद सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा जी बेल पर हैं। जोशीमठ में नहीं सुधरे हालात, हफ्ते भर बाद फिर दिखी दरारें, क्रैकोमीटर भी नहीं आ रहे कम। आदित्य ठाकरे ने फिर भरी हुंकार, बोले शिंदे और फड़वड़ीस को गलियों में चलने को कर देंगे मजबूर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सख्त निर्देश, दिल्ली में युद्ध स्तर पर कर रहे हर घर को सीवर से कनेक्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप, लोकसभा में भारी हंगामा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले ड्रोन से जल्द भेजी जा सकेगी मिसाइलें, बड़े स्तर पर चल रही है रिसर्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन से विदेश सचिव से की बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा पर हुई चर्चा। एसडी कुमार स्वामी का टर्न, बोले सभी ब्राह्मणों ने नहीं ठहराए दोषी, गलत तरीके से पेश किया गया बयान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज। राजस्थान में डंडों से पीट पीट कर ऊंट की हत्या, मालिक की गर्दन दबोच कर मार डाला था, परिवार ने पेड़ से बांध कर ले ली जान। राहुल के आरोपों पर जीवीके का जवाब, मुंबई एयरपोर्ट अडानी को सौंपने को कोई दबाव नहीं था। ममता बनर्जी की तुलना अटल कलाम से की गई, राज्यपाल ने कहा सीएम लेखक भी हैं, भाजपा का पलटवार लेखक तो हिटलर भी थे। आफताब ने श्रद्धा का चेहरा बर्नर से जलाकर बिगाड़ा, हड्डियां पीसने की बात कहकर पुलिस को गुमराह किया, चार्जशीट में दावा। चित्तौड़गढ़ सांसद ने राष्ट्रपति को शबरी मोदी को राम बताया, बोले मुर्मू ने संसद में एंट्री की तो लगा शबरी के स्वागत में श्री राम खड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बयान पर बिहार में शिकायत, अदालत में 20 को होगी सुनवाई। हापुड़ पहुंचे चौधरी भूपेंद्र सिंह, बोले गरीबों का कल्याण करे योगी सरकार, प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। प्रेमी को एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला, शादी से इनकार करने पर थी नाराज। बीएचयू में धक्का मुक्की का वीडियो वायरल, विरोध में छात्राओं ने किया तांडव, पीएचडी एडमिशन निरस्त होने की आशंका पर भड़के। हापुड़ में खाद्य पदार्थ के 28 सैंपल फेल, बर्फी में चांदी के वर्ग की जगह एल्युमिनियम वर्ग का इस्तेमाल किया गया। अंबेडकर नगर में रोडवेज बसों का किराया बढ़ा, यात्रियों को परेशानी, बोले सिर्फ किराया बढ़ा रही है सुविधाएं नहीं।
शाहजहांपुर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प, कई चेतावनी के बाद भी ज्ञापन लेने डीएम नहीं पहुंचे। राज्य मंत्री ने की गाजीपुर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर, वाणिज्य कर अधिकारी को स्पष्टीकरण की नोटिस। धीरेन्द्र कृष्ण को चूता मारने की धमकी देने वाले पर एफआईआर, देवी देवताओं पर भी की थी अभद्र टिप्पणी। बुलंदशहर में दो कारों में आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत, चार लोग घायल, शादी समारोह में शामिल होने आया था मृतक। मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिले को नंबर वन बनाने का होगा काम, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन जरूरी। ग्यारह फरवरी को बरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत प्राधिकरण सचिव ने बताए लोक अदालत के लाभ जनता से अपील। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में बोरिंग मिस्त्री की मौत, मौत से परिजनों ने हाईवे किया जाम। सहारनपुर में नहीं रुक रहा चोरी की गाड़ियों का कारोबार, पुलिस ने चोरी के वाहन बेचने आए तीन चोरों को गिरफ्तार किया। अस्पताल एरिया में प्रोफेसर ने भगाई कार, बीएचयू में सात लोगों को मारा धक्का, एक अचेत, दो अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर चला कचरा कलेक्शन अभियान, घर घर जाकर बताया जाएगा सफाई और कूड़ा प्रबंधन का लाभ। देवरिया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने तीरमारदार को पीटा, ट्वीट के बाद डिप्टी सीएम ने जांच के दिए आदेश। संभल पुलिस की निगरानी में दलित की बेटी की बारात, अलीगढ़ से आई बारात, ड्रोन कैमरे से पुलिस ने की निगरानी। बिजनौर में वैलेंटाइन वीक पर पुलिस एक्टिव, स्कूल और कॉलेज के आसपास चलाया जाएगा मजनू अभियान। प्रयागराज में नाबालिग हिंदू लड़की का जबरन कराया धर्म परिवर्तन, आरोपी से एक साल पहले हुई थी मुलाकात। आईएएस अभिषेक सिंह को सरकार ने किया सस्पेंड, गुजरात चुनाव में प्रेक्षक बनाए जाने की सूचना की थी पोस्ट। चंदौली के एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, डेढ़ दर्जन से अधिक उप निरीक्षकों का कार्यक्षेत्र बदला। कुशीनगर में खेत में खाद डालने गया किसान लापता, पुलिस ने गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश में जुटी। मिर्जापुर के गढ़ौली धाम पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, क्या दर्शन पूजन, मंत्री विधायकों का लगेगा जमावड़ा। अमेठी में आवारा पशुओं ने पूरी फसल कर दी बर्बाद, किसान ने जिला प्रशासन से की शिकायत। अमरोहा कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना प्रदर्शन, बोली भारत सरकार के जीएम फसलों का करेगा विरोध। आगरा में 200 बांग्लादेशी छिपे, पाकिस्तानियों की भी तलाश, पुलिस कस्टडी में 16 बांग्लादेशी।
मथुरा कोर्ट में हाजिर हुए भगवान, कोर्ट ने वादियों से कहा मैंने मान लिया केशव देव आए हैं अगली डेट पर इनको मत लाएं। भदोही में जर्जर दीवार गिरने से दो भाइयों की मौत, मकान को गिराने के दौरान हादसा, साइकिल से घर जा रहे थे दोनों बच्चे। सीतापुर में ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक का टायर फटने से हुआ हादसा, एक युवक की मौत, सात गंभीर रूप से घायल। ₹650 करोड़ से के लिए करेगा अधिग्रहण, न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए 750 किसानों से चार गुना रेट पर खरीदी जाएगी जमीन। जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने 10 को बुलाई बैठक, पीएम के एडवाइजर करेंगे हालत की समीक्षा। चारधाम यात्रा के सभी काम 31 मार्च तक होंगे पूरे, आमजन को मिलेगी कई सुविधाएं। उत्तराखंड के बागेश्वर में अनियंत्रित पिकअप गहरी खाई में गिरी, चालक की मौत, खलासी बाल बाल बचा। पीसीएस मुख्य परीक्षा पर करण महारा ने खड़े किए सवाल, कहा शंका होने के बावजूद की जा रही जल्दबाजी। देहरादून से दिल्ली का सफर फिर हुआ महंगा, यूपी सरकार के रोडवेज का किराया बढ़ाने से उत्तराखंड की बसों पर भी असर। उत्तराखंड में फर्जी बीएमएस को लेकर प्रशासन सख्त, फर्जी डिग्री मामले में एक और झोला छाप गिरफ्तारी की गई। यूट्यूबर ने बाबा नीम करौली के नाम से की शर्मनाक हरकत, महिला पर बनाया अनैतिक कार्य का दबाव। उत्तराखंड से यूक्रेन तक फैला था फर्जी डिग्री का जाल, पुलिस गिरफ्त में, खेल के मास्टरमाइंड ने कई खुलासे किए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक टली, अब 15 फरवरी को होगी, आएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, 2 मई को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में बैरागी कैंप क्षेत्र में एसडीएम ने मारा छापा, गड्ढे में दबी मिली सरकारी दवाइयां, हाल देखकर रह गए लोग हैरान। जोशीमठ में होटलों का ध्वस्तीकरण जारी, पुनर्वास के लिए प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने का काम भी जोरों पर है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एनआईसीयू एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, नवजात शिशुओं को मिलेगा लाभ। एनजीटी ने मसूरी झील से पानी लेने पर लगाई रोक, एसडीएम ने 9 फरवरी को बुलाई बैठक। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे कर्मचारी, प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी। चीन पर जमकर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले देश की रक्षा के लिए हर वह कदम उठाएंगे जो जरूरी होगा। जासूसी गुब्बारा गिराए जाने से बिफरा चीन, रक्षा मंत्रियों के बीच टेलीफोन कॉल पर प्रस्ताव ठुकराया।
मीडिया पर मंडरा रहा है एक और व्यापक युद्ध का खतरा। गुटेरेस ने कहा डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक वैश्विक तबाही करीब है। चीन की सालबाजी का अमेरिका खोलेगा राज अंटार्कटिक महासागर से खोज, निकाला जासूसी गुब्बारे का मलबा। फिलिस्तीन में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई है। छत्तीस दिन बाद दिखे किम जोंग उन, सेना को जंग की तैयारी करने का आदेश दिया, पहली बार न्यूक्लियर मिसाइल ब्रांच का जिक्र किया। तुर्की सीरिया त्रासदी, अब तक 7,926 शव मिले, WHO बोला मौत का आंकड़ा 20,000 से ज्यादा हो सकता है। दस लाख तिब्बती बच्चों को जबरन परिवार से अलग किया चीन ने, बोर्डिंग स्कूलों में भेजा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों की रिपोर्ट। अमेरिका में 16 साल के हत्यारे ने गुनाह कबूला, 2 साल पहले सहपाठी को 114 बार चाकू गोदकर मारा था, उम्र कैद हो सकती है। तुर्की के 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल, भयानक भूकंप के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन का ऐलान। आरबीआई ने ब्याज दरें 0.25% बढ़ाकर 6.50% की, 20 साल वाले 30 लाख के लोन पर करीब 1 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। अडानी ग्रुप की कंपनियों के Q3 के रिजल्ट आया सामने, अडानी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 1 से 10% बढ़ा। पोको एक्स 5 प्रो भारत में लॉन्च, 5G स्मार्टफोन में डिस्प्ले और 108 MP कैमरे की जैसे फीचर हैं। चैट GPT को टक्कर देने के लिए गूगल लाएगा AI सर्विस ब्रैड लेमडा पर चलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस। भूकंप से तुर्की की इकोनॉमी को भी झटका, करेंसी लीरा में रिकॉर्ड गिरावट आई है, पहले से बड़ी महंगाई, घर का किराया भी बढ़ाया। ₹1300 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी जूम कंपनी, CEO बोले मंदी के असर से निपटना होगा। RBI ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का किया ऐलान, होम लोन की EMI में होगा इजाफा। HDFC बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका, MLCR में किया इजाफा, बैंक ने MLCR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। मूडीज की चेतावनी, कहा अडानी समूह को ज्यादा कर्ज के एक्सपोजर से घरेलू बैंकों में मिलेगा बड़ा जोखिम। सरकारी बैंकों को तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 28,719 करोड़ लाभ, मुनाफे में अकेले SBI की 50% हिस्सेदारी। WPL ऑक्शन का हिस्सा होगी 409 प्लेयर्स, मंथाना हरमनप्रीत समेत 24 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 50 लाख। टेस्ट में रोहित शर्मा की लीडरशिप की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अग्नि परीक्षा, कप्तान बनाने के बाद खेले हैं सिर्फ 2 मैच। पूर्व PCB चीफ खालिद महमूद ने किया अलर्ट, बोले भारत के बिना एशिया कप कमजोर रहेगा, पैसा ही नहीं आ पाएगा।
बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले एडम गिलक्रिस्ट का बयान, बोले भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होगी बराबरी की टक्कर। गैरी बैलेंस के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड, पहले बाप और अब बेटे के सामने लगाया शतक। पाकिस्तान के विश्व कप बहिष्कार करने की हिम्मत नहीं जावेद, मियादन की धमकी के बाद रविचंद्रन अश्विनी का पलटवार। फ्रेंचाइजी बनाम इंटरनेशनल क्रिकेट के बहस पर सौरव गांगुली का बयान, बोले आने वाले 4-5 सालों में कुछ ही लीग बचेंगे। '23 का पहला टेस्ट मैच कल से, 6 साल बाद भारत में ये टेस्ट खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, नागपुर में पहला मुकाबला। पहले टेस्ट में मिल सकता है टर्निंग ट्रैक, टीम मैनेजमेंट ने दिए क्रिकेटर को निर्देश, बदली गई साइड स्क्रीन की पोजीशन। स्टीव स्मिथ का बयान, कहा रवि अश्विन क्वालिटी बॉलर है लेकिन हमारी तैयारी है दुरुस्त। प्रभास की टीम ने सगाई की अफवाहों को किया खारिज, कहा प्रभास कृति सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ऋषभ शेट्टी ने किया कांतारा के प्रीक्वल का ऐलान, गुड न्यूज शेयर करते हुए बोले फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रही है। लव जिहाद शब्द पर भड़के राखी सावंत, बोली मैं एक मुसलमान हूं कोई नहीं बोलेगा। राखी सावंत के पति आदिल दुरानी ने पुलिस को किया गिरफ्तार, एक्ट्रेस ने मारपीट का लगाया था आरोप। कियारा के संगीत सेरेमनी का वीडियो हुआ लीक, दोस्तों संग बोली चूड़िया गाने पर लगाए ठुमके। कियारा बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की दुल्हनिया, शादी के बाद कपल ने शेयर की पहली झलक, बोले अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है। नवाजुद्दीन वकील ने वाइफ आलिया पर लगाए आरोप, बोले पहले पति से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की। रोनित रॉय को मिला था हॉलीवुड फिल्म का ऑफर, करण जौहर की टीम की वजह से नहीं कर पाए काम। करण जौहर ने मनाए रूही और यश का बर्थडे, बच्चों के साथ खेले गेम्स, बच्चों का ख्याल रखने के लिए मां को कहा शुक्रिया। दिशा पाटनी ने दिखाए अपने किक्स बॉक्सिंग मूव्स, यूजर्स बोले दिशा नए बॉयफ्रेंड को टाइगर से बचाने के लिए प्रैक्टिस कर रही है। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।